तो आज मैं अगेन करने वाला हूँ हार्डेस्ट माइनक्राफ्ट MLG एंड फिर से मैं सपने के बोट क्लच को अनदर लेवल पे करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बट यू नो मैं सारी MLG कर लेता हूँ। सो तुम लोग मेरा प्रो पना फिर से देखने वाले हो। स्वागत है MLG क्षेत्र में। याद होगा पार्ट 1 में 50% MLG रह गई थी, सो बाकी बची हुई MLG मैं अभी करने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने स्नो बकेट MLG हाँ तो मैं अभी करने वाला हूँ स्नो बकेट MLG। तो मैं ले लेता हूँ एक स्नो बकेट। आसमान की ऊंचाइयों में चलते हैं। ये क्या गेम मोड? सर्वाइवल। लेट्स गो भाई। कितनी इजी थी ये वाली। नाउ मुझे इसको बेडरॉक तक करना है, सो मैं रेडी हूँ। इसको भी करते हैं। ओके, इतनी ऊंचाई से कर ली मैंने। वैसे मैं प्रो हूं तो कर ही सकता हूँ ना भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वेट, एक मकड़ी के जाले वाली भी तो करनी है। एक बेड भी ले लेता हूँ। नॉकऑफ बेड वाली 100 ब्लॉक से करते हैं। लेट्स गो ऊपर। सोया करते हैं इसको भी। लो हो गई है वाली। हल्के में लिया हुआ है मैं कैडन को। सो अभी मैं करूंगा बेड वाली MLG। लेट्स गो भाई। वैसे मुझे लगा ही था मैंने बेड को प्लेस कर दिया था, देखो वहां पे, बट इसको थोड़ा नीचे से करना पड़ेगा। सो मैं इसको यहां से करने वाला हूँ। ओ वेट, मुझे डैमेज मिल गई। मे बी हाइट ज्यादा होगी, बट MLG अच्छे से हो गई है। नाउ मैं सपने का एक क्लच करूंगा। सो तुम लोगों को सपने का वो वाला, अबे हैं ये कैसा क्लच हो गया भाई? लाइक मैं गलती से गिर गया था वहां से, बट मैं प्रो हूं, बच गया। हाँ तो मैं बता रहा था सपने की वाटर स्टील MLG। वेट मैं वीडियो दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ड्रीम के हंटर से एक बकेट फेंकते हैं, एंड देन ड्रीम ये वाला क्लच करता है, एंड ये अभी मैं करूंगा। नाउ मान लो ये मेरे हंटर ने बकेट फेंकी एंड लो भाई कैसा था। नाउ ये चीज सेम मैं बोट के साथ भी कर सकता हूँ। सो ये गई मेरी बोट एंड ये मेरे हंटर ने उसको फेंक दिया। जलवा दिखाते हैं। ओह हो गई। हाँ नाउ मैंने इसी क्लच से इंस्पायर होकर अपना खुद का क्लच बनाया। नीचे चल के समझाता हूँ। नाउ मान लो मेरी यहाँ पे वाटर बकेट पड़ी है। गॉट इट। सो भी करना क्या है, ऊपर से सीधा जंप करनी है एंड देन ग्राउंड पे आके इसको कलेक्ट करके एकदम से प्लेस कर देना है। ये तुम लोगों को असंभव क्लच लगेगा। हाँ हार्ड है ये, बट असंभव नहीं है। नाउ मान लो तुम लोगों के पास एक वाटर बकेट है एंड तुम लोगों ने उसको फेंक दिया। नाउ अगर वो ग्राउंड पे गिर जाती है, स्टिल तुम लोग क्लच कर सकते हो। प्रैक्टिस चाहिए बस। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। नाउ सी, वाटर बकेट नीचे जा चुकी है, हो गया क्लच। नाउ यही सेम मैं बोट के साथ भी करूंगा। अबे यहाँ गलत फेंक दी थी मैंने। नाउ ये गई मेरी बोट, इसको दोबारा करूंगा। सो लेट्स गो। लो कर लिया। कितना इजी था ये, बट मैंने इसकी रोज 1 घंटे प्रैक्टिस की हुई है। एंड देन मुझे इसकी एक बात और पता चली कि लाइक बोट में बिना बैठे भी सम टाइम ये क्लच हो जाता है। मैं तुम लोगों को वो क्लिप दिखाता हूँ। इस क्लिप को ध्यान से देखना तुम लोग। लाइक तुम लोग इसको स्लोमो में देखना, मैं बोट के अंदर भी नहीं बैठा, बट क्लच हो गया। नाउ इन क्लच के मैंने नेम रखे हैं ग्राउंड बकेट एंड ग्राउंड बोट क्लच। यस। नाउ लाइक कर दो वीडियो। नेक्स्ट MLG। इसके लिए मेरे को एक फिशिंग रॉड चाहिए, एक वाटर बकेट चाहिए एंड एक बोट ले लेता हूँ। नाउ तुम लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन सी MLG करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे एक वाटर बकेट फेंकनी है कुछ इस तरीके से, एंड या उसने ग्रैब कर लिया है। वेट, गेम मोड सर्वाइवल तो किया ही नहीं भाई। ओके ये आ चुकी है एंड हो गया है, बट मैं दोबारा कर लूंगा। तो इस बार इसको बोट के साथ करते हैं। ओके अबे मेरा जाला उसे पकड़ क्यों नहीं रहा है। ओके फाइनली लेट्स गो, एंड ये भी हो जाएगा भाई, बहुत इजी था ये। सो यार जिसने भी इस MLG के लिए बोला था ये हो गई है। नेक्स्ट MLG पेश की जाए। सो नाउ ये वाली जो MLG है किसी ने दी नहीं थी, मैंने जस्ट खुद से ही बना ली है। सो देखो इसमें मुझे फिशिंग रोड से प्रेशर प्लेट को एक्टिवेट करना है मिड एयर में। सो अगर मैंने इसके ऊपर वाटर बकेट प्लेस नहीं करी देन मैं ऐसे मर जाऊंगा। सो यार ट्राई करते हैं इस MLG को। लेट्स गो ऊपर। तो करते हैं भाई इसको। हो गई, देखा तुम लोगों ने। वेट, इस MLG को ना एक तरीके से और किया जा सकता है। लाइक मैं बो को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इससे भी प्रेशर प्लेट एक्टिवेट हो जाती है। नाउ गेम मोड हो गया है सर्वाइवल। लेट्स गो। एंड ये क्या हुआ, दोबारा करते हैं। अबे प्रेशर प्लेट काम नहीं कर रही है। ओहो सी, ये वाला तीर ये यहाँ पे अटक गया एंड सी कलेक्ट भी नहीं हो रहा है। सो अभी ट्राई करते हैं। या सो हाँ करते हैं इस MLG को बो से। Easy peasy. देखा कितना ज्यादा प्रो हूं मैं। नेक्स्ट MLG। सो इसके लिए मुझे चाहिए होगा स्प्लैश पोशन ऑफ स्लो फॉल। 4 ले लेता हूँ। अभी इसको मैं 50 ब्लॉक्स की हाइट से करने वाला हूँ। लेट्स गो भाई। हैं?
मुझे लग रहा था इसमें अटेम्प्ट लगने वाले हैं, बट या ये भी फर्स्ट ट्राई में हो गई। नाउ नेक्स्ट एमएलजी के लिए मेरे को एक ड्रिप लीफ चाहिए होगी, एक बो चाहिए एंड वाटर बकेट। नाउ मेरे को एक ब्लॉक डिग करके यहाँ पे ड्रिप लीफ लगानी है। नाउ सी, इस एमएलजी में करना क्या है, सिंपल जस्ट यहाँ से जंप करनी है एंड बो से ड्रिप लीफ को एक्टिवेट करना है, देन वाटर बकेट प्लेस करनी है। सो या ट्राई करते हैं इसको भी, लेट्स गो। ओके इजी थी ये। कोई और हार्ड एमएलजी है? सो अभी हम लोग करेंगे गेमर फ्लीट। तो तुम लोगों ने कमेंट्स में बोला था फ्लीट भाई का लाइट्रा क्लच करो, सो इस क्लच में मिड एयर में लाइट्रा लेना है एंड देन मिड एयर में उसको पहन के उड़ना है। क्लच तो बढ़िया है, हम भी करेंगे। सो मैं इसको यहाँ से करने वाला हूँ एंड चेस्ट को यहाँ पे लगा देता हूँ, देन इसमें जाएगा लाइट्रा एंड नाउ मैं रेडी हूँ क्लच करने के लिए। यहाँ पे मेरा चेस्ट, लेट्स गो। ये गया लाइट्रा। ओके भाई फर्स्ट ट्राई में कर लिया एंड सेफ लैंडिंग भी हो चुकी है। ओके सो ये क्लच हो चुका है। देखने में एक क्लच हार्ड लग रहा था बट यू नो मैं सारे क्लच कर लेता हूँ। नेक्स्ट एमएलजी पेश की जाए। सो नेक्स्ट क्लच है स्मार्टी भाई का। सो इस क्लच में ड्रैगन उनको उड़ा देता है, देन वो ये वाला क्लच करते हैं। सो ये क्लच मैं भी करने वाला हूँ। इस क्लच को करने के लिए मुझे एंडर पर्ल चाहिए होंगे। ये गए मेरे एंडर पर्ल, तो मैं इसको यहाँ से करने वाला हूँ। वेट, क्या मुझे एंड में करना चाहिए? आई गेस यस, मैं जा रहा हूँ एंड वर्ल्ड में इस बेहतरीन क्लच को करने के लिए। तो ये बन गया पोर्टल, चलो चलते हैं एंड में। यप सी मैं आ गया हूँ, एंडर ड्रैगन नीचे आइए से, क्लच करना है मुझे जल्दी। ओ या आ रही है, ये क्या गेम मोड सर्वाइवल, नो परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। ओके लेट्स गो। नाउ मुझे इसके सिर के पास जाना है। ओ सेम सिचुएशन, कोई क्लच है जो मैं ना कर पाऊँ? ड्रैगन अभी भी नीचे, एक बार और करते हैं, लेट्स गो। अबे मेरे हर्ट्स कम थे लोल, वरना मैं कर लेता। सो नेक्स्ट क्लच के लिए मैं आया हूँ नेदर में। इसके लिए मुझे वीपिंग वाइन्स चाहिए, एंडर पर्ल भी चाहिए। नाउ इस क्लच को करने के लिए तुम लोगों को एंडर पर्ल को ऐसे फेंकना है एंड देन रूफ से जाके चिपक जाना है। यस नाउ मान लो मेरे पीछे यहाँ से हंटर्स आ रहे हैं। सो नाउ अभी मैं ये क्लच करूंगा, ये गया मेरा एंडर पर्ल एंड या देखो मैं चिपक गया यहाँ पे एंड इसको स्पाइडरमैन क्लच बोलते हैं। सी मैं कैसे चिपक चुका हूँ यहाँ पे, भाई मजे आ रहे हैं यहाँ पे। वेट मैं ब्लॉक स्पेस बार से हाथ नहीं हटाना है हमें, समझे? नेक्स्ट एमएलजी। सो इसके लिए मुझे माइन कार्ट एंड रेल चाहिए। नाउ सी करना क्या है, यहाँ पे रेल प्लेस करनी है एंड देन ऊपर से इसके ऊपर माइन कार्ट प्लेस करके उसके अंदर बैठना है। सो लेट्स गो। अबे गेम लैग हो गया था बट या स्टिल मैंने कर ली, मैं फिर से करूंगा। लेट्स गो, इजी पीजी। नाउ तुम लोगों ने कमेंट्स में बोला था कि एक स्टोन की प्लेटफॉर्म बनाओ, देन मेरे को एक डर्ट लेनी है उसके ऊपर प्लेस करने के लिए स्वीट बेरीज। नाउ ऊपर से आते हुए डर्ट को प्लेस करके उसके ऊपर स्वीट बेरीज प्लेस करने हैं, एमएलजी हो जाएगी। सो मैं आ चुका हूं ऊपर, लेट्स गो। अबे कर तो ली मैंने, डैमेज क्यों मिली, चलो कम से कम हो तो गई। नाउ नेक्स्ट एमएलजी बहुत हार्ड होने वाली है। मैं आ गया हूँ आसमान की ऊंचाइयों में, मिड एयर में लैडर क्राफ्ट करने वाली एमएलजी को करने के लिए। अभी देखो मुझे यहाँ से जंप करनी है, देन इस चेस्ट को ओपन करके यहाँ से स्टिक्स लेनी है एंड देन सीधा स्लाइम के ऊपर जंप करके, यहाँ पे इतने सारे क्राफ्टिंग टेबल है किसी को भी ओपन करके लैडर क्राफ्ट करनी है एंड देन लैडर बनाने के बाद सीधा नीचे बेडरॉक तक, यहाँ पे आगे उस लैडर को प्लेस करना है एंड अकॉर्डिंग टू मी ये बोट क्लच से ज्यादा हार्ड है बट मैं रेडी हूँ हर क्लच के लिए। सो या करते हैं इसको। डर लग रहा है भाई, वेट अभी बोलूंगा नहीं। अभी स्लाइम के ऊपर जंप करनी है। ओके हो गई, मैंने यहाँ पे एक और लैडर प्लेस कर दी थी स्लो मोशन में, देखो तुम लोग। नाउ तुम लोग पूछोगे कि तैने लैडर को रेसिपी बुक से क्राफ्ट किया है, तो देखो ऐसे बनाना आसान नहीं होता, उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होगी जैसे मैंने बोट क्लच की थी एंड अभी टाइम आ चुका है वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्कोर एमएलजी बोट क्लच को करने का। पार्ट वन वाला तुम लोगों को क्लच याद होगा, इससे भी ज्यादा हार्ड मैंने आज बनाया है। इसको मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, बीच में थोड़ा सा पार्कोर होगा एंड देन चेस्ट में से एरो लेके टारगेट ब्लॉक के ऊपर मारनी है, उसके नीचे ड्रॉपर है जिसमें से मेरे को लॉग मिलेगा, देन मुझे मिड एयर में क्राफ्टिंग टेबल बनाना है एंड स्लाइम के ऊपर जंप करके क्राफ्टिंग टेबल को प्लैंक्स के ऊपर प्लेस कर देना। नाउ तुम लोगों को वहाँ पे चेस्ट दिख रहे हैं, उनके अंदर से प्लैंक लेने हैं, देन होगा बोट क्लच बेडरॉक लेवल तक एंड ये सारा काम हवा में होने वाला है। यप सी तो ये मैंने बनाया, मैं तो कर ही लूंगा, तुम लोग भी एक बार ट्राई करना है वाला, तो करते हैं इसको भी। यहाँ पे एक बोट रखी है इसके अंदर। ओके नाउ इससे लावा पार करना है, लेट्स गो। अभी यहाँ पे लेनी है एरो, सीधा जंप
अबे बोट कहाँ पे है? ओके हार्डेस्ट क्लच एंड ऑफ कैमरा मैंने इसकी दो बार प्रैक्टिस की है एंड यू नो प्रैक्टिस करते हुए मैंने दोनों बार फेल किया बट कैमरा के सामने हो गया। इसे कहते हैं अच्छी किस्मत। तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताओ एंड क्या मुझे मैनहंट करना चाहिए। वैसे मैं बहुत अच्छे से क्लचेस वगैरह कर लेता हूँ। बाय द वे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, ये अच्छी बात होती है। एंड नाउ तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।